राजस्थान में क्राइम का ग्राफ लगातार दिनों दिन बढ़ रहा है। अपराधियों के लिए लूट, डकैती और हत्या करना एक खेल बन चुका है। उनमें पुलिस या कानून नाम का कोई खौफ नजर नहीं आता। इसी के चलते आए दिन ऐसी घटनाएं सामने आ रही हैं। अलवर जिले के रैणी थाना क्षेत्र में बदमाश एक वृद्धा के पैर काटकर चांदी के कड़े लूटकर फरार हो गए। घटना के विरोध में बुधवार को बाजार बंद रखकर आरोपियों की गिरफ्तारी की मांग उठाई गई। अलवर जिले में अपराधियों के हौसले कितने बुलंद हैं, इसका अंदाजा यहां हो रही लूट, डकैती और हत्या की घटनाओं से लगाया जा सकता है। वहीं पुलिस महकमा अपराधों पर अंकुश लगाने में नाकाम साबित हो रहा है। जिले के रैणी कस्बे में एक वृद्धा की हत्या कर चांदी के कड़े लूटने का मामला सामने आया है। बजेड़ा रोड स्थित मकान में 69 वर्षीय बुजुर्ग महिला मन्नी देवी अकेली सो रही थी। महिला के परिजन कस्बे के अंदर पुश्तैनी मकान में रहते हैं। इस दौरान अज्ञात बदमाशों ने वृद्धा की हत्या कर दी और उसके दोनों पैर कुल्हाड़ी से अलग कर दिए। आरोपी पैरों से चांदी के कड़े निकालकर महिला की लाश झाड़ियों में फेंक कर फरार हो गए। ये चांदी के कड़े करीब आधा किलो वजन के बताए जा रहे हैं। सुबह जब परिजन यहां पहुंचे तो चार पाई के समीप खून पड़ा हुआ मिला। तलाश करने पर वृद्धा की लाश खेत में पाई गई। घटना की जानकारी रैणी थाना पुलिस को दी गई। इसके बाद पुलिस ने घटना स्थल का मुआयना किया, आरोपियों की तलाश शुरू कर दी। वहीं राजगढ़ DSP और 5 थानों की पुलिस भी यहां पहुंची। पुलिस ने FSL और डॉग स्क्वाड टीम को भी मौके पर बुलाया, जिससे आरोपियों का सुराग लगाया जा सके और डोकरी को यहां से उठा करके और करणपुरा रोड पर तड़ाई के पास ले गए और उसके दोनों पैर काट दिए और दोनों पैर कटे हुए हैं, अलग अलग हैं। उनके दोनों कड़ों को निकाल के ले गए बदमाश। इस सूचना पर तुरंत मौके पाए, वहाँ पर डेड बॉडी को देखा, उच्च अधिकारियों को आजाद किए, CO साहब, EDC साहब, SP साहब। फिलहाल वृद्धा का शव रैणी अस्पताल की मोर्चरी में रखवा दिया है। घटना से आक्रोशित ग्रामीणों ने रैणी कस्बे के बाजार बंद कर प्रदर्शन किया, साथ ही जल्द से जल्द आरोपियों को गिरफ्तार करने की मांग उठाई।